हेलो एवरीवन, आंद्रोथियो। अभी तक आप सबने स्कैम 92 देखा ही होगा, वही द वन अबाउट हर्षद मेहता एंड हिज इनफेमस एक्सप्लॉइट्स। ये कहानी इतनी रोमांचक है, इतनी प्यारी है और इतना लोगों के दिल छू चुका है कि इट इज नाउ IMDb नंबर 1। हर्षद मेहता की कहानी, द डॉक्यूमेंट्री, डायरेक्शन, द एक्टिंग, व्हाट एवर यू से, इट्स फैंटास्टिक। बट उसके बारे में एक ऐसी चीज है जो आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, इट्स अबाउट सुचिता दलाल। उनके वेबसाइट पे अगर आप जाकर देखोगे, शी इज स्टिल वेरी मच इन एक्शन, बट इफ यू सी द हेट मेल दैट शी हैज रिसीव्ड, दैट्स एक्चुअली अस्टाउंडिंग एंड दैट हैज लेड मी टू दिस। सो स्टे ट्यून्ड। अबाउट स्कैम 92, हर्षद मेहता की कहानी जिसमें उनकी ऊंचाइयों तक पहुंचना, स्टॉक मार्केट का बिग बुल कहलाना, हाउ ही मैनेज टू रिग द एंटायर सिस्टम, अ वंडरफुल स्टोरी फॉर एंटी हीरो। लेकिन उनको एक्सपोज करना कराने के पीछे जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल थे, सुचेता दलाल, शी इज स्टिल वेरी मच एक्टिव। हालांकि उन्होंने सही काम किया था, हालांकि उन्होंने कथाकथित चोर को पकड़वाया था, द नंबर ऑफ हेट मेल दैट शी रिसीव्स टुडे इज अस्टाउंडिंग। एंड एज फॉर हर्षद मेहता, जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा स्कैम किया, जिस व्यक्ति ने गैर कानूनी रूप से, दैट टू फॉर नथिंग बट ह्यूमन ग्रीड, इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया इकोनॉमी को, लोगों को, कितने लोगों के सेविंग्स बर्बाद किए, उनके लिए तो प्रेम पत्र लिखे जा रहे हैं। आई एम नॉट किडिंग। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, एंड इवन लिंक्डइन, एवरीबडी इज लाइकनिंग देमसेल्व्स टू हर्षद मेहता। पीपल लव हिम, पीपल अडोर हिम। हालांकि एक ऐसा लेख भी लिखा गया जहाँ पे ये तक कहा गया कि यू नो इट्स ब्रिंग्स यू बैक टू स्कूल डेज। लेख में ये लिखा है कि स्कूल में जब सब शैतानी करते हैं और एक को पकड़ा जाता है तो उसको सजा मिलती, बाकी सब बच जाते। आई गेट बैक टू दिस वन लेटर। नाउ कमिंग बैक टू सिनेमा, सिनेमा में हमेशा क्रिमिनल्स, स्कैमस्टर्स, फ्रॉडस्टर्स, सीरियल किलर्स, इन सब की कहानियां काफी मशहूर होती है। और उसकी वजह भी काफी सिंपल है, क्योंकि ये अनकॉमन स्टोरीज है। अनकॉमन इन द सेंस दैट वी आर ऑल टायर्ड, वी आर ऑल सिक ऑफ आवर सिंपल लाइव्स। The absolute majority of us live very decent and harmonious lives. Lekin hamesha, it is the life that we do not live that is more intriguing to us. Aur is baat pe even Robert Frost, The Road Not Taken, hamari bachpan ki kavita hai. Usme bhi yehi hai ki how we dream about the path of life which we did not choose. Similarly, cinema mein, there is always a preference to stories about criminals because none of us are going to be one of them, at least not me. But ऐसी कहानियों को काफी ज्यादा adapt किया जाता है। Coming to Harshad Mehta, अगर मैं I don't belong to the 90s, I was born in the 90s actually. But Harshad Mehta के बारे में एक ऐसी एक बढ़िया किस्सा है that एक बार I was going to get a haircut and a shave, तो बातों बातों में नाई ने मुझसे पूछ लिया कि क्या करते हो, एंड आई टोल्ड हिम दैट आई वाज इनटू फाइनेंस। तभी उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने शेयर बाजार पे एक बार पैसे लगा दिए थे किसी दोस्त के कहने पे। मेरी दाढ़ी कराते कराते उन्होंने हर्षद मेहता तक बात चलाई और हर्षद मेहता के बारे में भी उनके सो कॉल्ड एडवाइस लेके कितने पैसे डुबाए वो भी बता दिया, और तो और कुछ ऐसे अपशब्दों का भी प्रयोग किया जो मैं आपके सामने शेयर नहीं कर सकता। मेरा नसीब अच्छा था कि उन्होंने मेरी मन की उपासना, स्ट्रेन, वो सब मेरी दाढ़ी पे नहीं निकाली, बिकॉज ही वुड हैव रुइन्ड माय फेस। उनके इट वाज अ वेरी स्ट्रेसफुल टाइम फॉर मी। तो अभी जो मैंने आपको बताया वो अर्ध सत्य है, काल्पनिक है। ये सच है कि मैं मेरे नाई के पास गया था लेकिन वो मेरे बाल काट रहे थे। लेकिन अगर मैंने ये बात को शेविंग पे ब्लेड जहाँ मेरे चेहरे पे ऐसे रोइंग रही है और वो एकदम स्ट्रेसफुल बातें कर रहे हैं, वो रूप में जब मैंने प्रेजेंट किया, इट इज मोर प्रेजेंटेबल, इट्स मोर एक्साइटिंग,
फॉर फन, सिनेमा यही करता है एंड इट्स कॉल्ड क्रिएटिव लिबर्टी। विलन एंटी हीरो बन जाता है और एंटी हीरो कभी कभी हीरो तक बन जाता है एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ ड्रामेटाइजेशन इन दिस। और ये क्रिएटिव लिबर्टी किस हद तक जा सकता है, देयर इज नो लिमिट। आफ्टर ऑल इट इज सेड दैट आर्ट ओस नो डेट टू रियलिटी। अंग्रेजी वाक्य इसलिए मार रहा हूं ताकि आप मुझे गंभीरता से खैर ये बात सिर्फ सिनेमा से लिमिटेड नहीं है, इट ट्रांसेंड्स टू लिटरेचर एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ इट। एक बेहतरीन एग्जांपल तो हमारा विलियम शेक्सपियर का सीजर ही है, मार्क एंटनी स्पीच, इफ ऑल ऑफ यू रिमेंबर इट, फॉर सीजर इज एम्बिशियस एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। सार्कैज़म में मार्क एंटनी ने ब्रूटस को एक ऑनरेबल मैन कहा था, मगर सत्य कुछ और ही है। जूलियस सीजर एक ऐसे व्यक्ति थे जो रोम के जनरल थे और उन्होंने अपने खुद के देश पर सिविल वॉर किया था और रोमन रिपब्लिक जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम था उसको ओवरथ्रो करके अपना एक साम्राज्य बना लिया था, द रोमन रिपब्लिक एंड द रोमन एम्पायर। एंड ब्रूटस फॉर हिज लव ऑफ डेमोक्रेसी उन्होंने अपने सबसे बड़े मित्र को मारा। The term et tu brute, which spells a betrayal today, आज सबसे बड़े धोखेबाजों को et tu brute से हम अभी भी संबोधित करते एक तरफ से। मगर सत्य जो ये है कि ब्रूटस ने सीजर को इसलिए मारा क्योंकि वो अब रोम को एक डेमोक्रेसी रखना चाहते थे, लेकिन सीजर तानाशाही थे। मगर विलियम शेक्सपियर ने अपने अंदाज में रिवर्स लिख दिया, यहाँ पे जूलियस सीजर हीरो बन गया और ब्रूटस विलेन, और हम वही वर्षन आज याद करते हैं। हिस्ट्री इज सेकेंडरी इन फ्रंट ऑफ ग्रेट स्टोरी टेलिंग। आई मीन इवन इफ यू लुक एट एक बेहतरीन फिल्म है ब्रेव हार्ट, यस मेल गिब्सन दो ऑस्कर अवार्ड, वंडरफुल मूवी, स्टोरी अबाउट स्कॉटिश इंडिपेंडेंस, स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड से कैसे इंडिपेंडेंस जीता। लेकिन सच तो ये है कि 2021 में वापस रेफरेंडम होने वाला है और स्कॉटलैंड को अब तक इंडिपेंडेंस नहीं मिला। ये कहानियां बनाते हैं ऐसे, इट्स मेंट फॉर एंटरटेनमेंट, स्टोरीज नीड टू बी एक्साइटिंग, दे आर नॉट डॉक्यूमेंट्रीज एंड दे आर ड्रामेटाइज्ड एंड दैट इज व्हाई इसलिए हर पिक्चर के पहले इट इज कॉल्ड बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, नॉट एग्जैक्टली अ ट्रू स्टोरी, बिकॉज उसमें क्रिएटिव लिबर्टी लिया जाता है, कितना वो हम नहीं जानते एंड इट्स समथिंग विच इज अप टू द क्रिएटर। तो बैक टू हर्षद मेहता, आप उसको कितना भी जस्टिफाई करो बट द फैक्ट इज दैट हर्षद मेहता वाज अ क्रिमिनल, उन्होंने बहुत बड़ा स्कैम किया था और बहुत सारे साधारण लोग का पैसा भी डूबा था, बिकॉज शायद स्टॉक मार्केट पैसे कमा के दे इनको। सीरीज में भी एक व्यक्ति का सुसाइड दिखाया था, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं हम नहीं जानते, कितने लोग की जिंदगियां बर्बाद हुई ये भी हम नहीं जानते, मगर सच तो यही है दैट ही वाज अ क्रिमिनल एंड ही हैड कॉस्ट अ लॉट ऑफ डैमेज। सो कमिंग बैक टू स्कैम 92, वॉच इट, एंजॉय इट, बट अंडर नो सर्कमस्टेंस यू शुड थिंक इट्स द ट्रूथ। ऑलराइट, एंजॉय।